सो हे यो गाइज, व्हाट्सअप, इट्स योर बॉय बी बॉय सैम आ गए एक और नई वीडियो लेके। और गाइज, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको टी वी सेंटोर XT आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो अब हम इसको चेक करने वाले हैं और कनेक्ट करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे कैसे कनेक्ट होगा ये। बाकी इसमें ये मैंने ये ऑन कर दिया, यहाँ पर लिखा रहता है लॉन्ग प्रेस टू एक्टिवेट वॉइस असिस्टेंस, ये वो यहाँ से होता है। मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ फ़ोन से। सबसे पहले आपको ऐप चाहिए होगा TVS कनेक्ट नाम से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने खोल दिया, ये दिख रहा है आपको। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, ये इंस्टॉल हो चुका है। इतना भी ये आपसे परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ में करना है। अब यहाँ से आपको ID बनानी है, अपना फ़ोन नंबर डालना है जिस पे OTP आएगा। तो गाइस, मैंने 6 नंबर डाल दिया, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, OTP यहाँ पे डाल दिया है और ये कनेक्ट होने वाला है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरी आईडी खुल चुकी है सागर के नाम से, ये मेरी प्रोफाइल खुल चुकी है। अलाउ करना है आपने यहाँ से। तो गाइस, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपको जैसा दिख रहा है। इसमें आपको व्हीकल का ओवरव्यू देख सकते हो आप यहाँ से, कि हमारा स्पीड कितना है और RPM आप चेक कर सकते हो जैसा मेरा दिखा रहा है ये। और आप यहाँ से जाके ये माय राइड्स लास्ट राइड देख सकते हो, तारीख और टाइम के साथ हमने कितनी स्पीड पर गए थे और कितना डिस्टेंस कवर किया था, उतना आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ से सर्विस का चेक कर सकते हो आप, स्लॉट भी बुक कर सकते हो अगर आपको स्लॉट बुक करना है। चीज़ें नंबर वगैरह सब आ जाता है यहाँ पे। लास्ट पार की लोकेशन देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखिए आप करंटली लोकेशन दिखाएगा आपको यहाँ पे कि कहाँ पे पार्क है एग्जैक्टली। ये देखिए प्रॉपर, यहाँ से आप सेटिंग और वीडियोस भी चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे हेल्प मिलेगी, कैसे कैसे हम मैसेज रिसीव कर सकते हैं, नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सबसे। और सेटिंग्स में जाके आपको डिस्प्ले सेटिंग्स का और मीडिया सब, आपको स्पोर्ट्स मोड अपडेट वगैरह सब मिल जाएगा। बाकी कनेक्ट करते हैं। अगर आपको गाड़ी कनेक्ट करनी है तो आपको पहले ये ऑन करनी पड़ेगी, गाड़ी कनेक्ट करने के लिए ऑन करनी पड़ेगी। ऑन हो चुकी है यहाँ पे, ऐसा इंटरफेस दिखेगा कुछ आपको साथ में। अब कनेक्ट करने के लिए आपको ये आ रहा है यहाँ पे TVS NT करके, ये कनेक्ट सक्सेसफुल दिखा रहे हैं। अब कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है आपको, ये देखिए TVS Entorq XT का बहुत ही अच्छा इंटरफेस दिखने वाला है। बाकी हमें इसे परमिशन देनी पड़ेगी, अलाउ नोटिफिकेशन, कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है यहाँ पे। नोटिफिकेशन वगैरह ब्लूटूथ का यहाँ आने वाला है, 4G नेटवर्क्स आने यहाँ आने वाले हैं। बाकी जो भी मैसेजेस वगैरह आएंगे इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक सब यहाँ दिखाने वाला है ये वाली डिस्प्ले में। XP में पूरा एक डिस्प्ले था, ये XT है, XT में डबल डिस्प्ले दे दिया TFT डिस्प्ले। बाकी जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा वाइज कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो वाइज कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, स्मार्ट टैक्स और ये डिस्प्ले खुल चुकी है यहाँ पे। और ये आपको दिखा रहा है, यहाँ से आप बोल के भी इसको वॉइस असिस्ट कर सकते हो। बिल्कुल ये ऐसे ले रहा है। ये दिखाने वाला है यहाँ पे, आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको कहीं भी जाना है, जैसे आपको देहरादून टू विकास नगर है, नेविगेशन खुल जाएंगी। मैंने यहाँ पे विकास नगर डाला, विकास नगर, तो विकास नगर आ गया। यहाँ पे क्लिक करा मैंने और ये स्टार्ट पे क्लिक किया तो आपको ये पूरी नोटिफिकेशन देने वाला है। ये देखिए पूरी देने वाला है कि यहाँ 50 मीटर पे आपको राइट लेना है, उसके बाद किलोमीटर्स, टाइम भी दिखाने वाला है कि कितने टाइम तक आप पहुँच जाओगे।
यहाँ से आप वॉइस असिस्ट कर सकते हो। हे बडी, एक्टिवेट स्पोर्ट्स मोड। एक्टिवेट स्पोर्ट्स मोड। तो भाई यहाँ से एक्टिवेट हो गया स्पोर्ट्स मोड, जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले पूरी चेंज हो चुकी है, स्पोर्ट्स मोड आ चुका है यहाँ से। एक्टिवेट स्ट्रीट मोड। तो गाइस यहाँ स्ट्रीट मोड एक्टिवेट हो चुका है, ये स्ट्रीट मोड का है पूरा। डिक्रीज द ब्राइटनेस। गाइस ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी, ये देखिए, ये देखिए। प्रॉपर आपको सब चीज़ आने वाली है ब्लूटूथ के साथ, असिस्ट आप कुछ भी बोल सकते हो। हे बडी, वो बुरा ले रहे हैं, यहाँ क्या है, मेरा नाम आ जा रहा है प्रॉपर। आप बोल बोल के सब कर सकते हो, क्योंकि इसमें नेविगेशंस और वॉइस असिस्टेंस बहुत अच्छा है। यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस करके भी वॉइस असिस्ट एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट स्ट्रीट मोड। वॉइस स्ट्रीट मोड एक्टिवेट होने वाला है। तो स्पीड का बता दिखा देता हूँ मैं आपको ऑन करके, जैसे मैंने स्टार्ट करी है, ये आप चेक करिए। जैसे मैंने ये स्टार्ट करी है, यहाँ पे दोनों चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, तो इससे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, ये स्पीड बढ़ जाएगी। ये देखो वहाँ भी 6 हो गई, यहाँ भी 6 हो गई है, आरपीएम भी बढ़ रहा है आपके सामने। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड है, कॉज ये ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी अच्छी है तो स्पीड के हिसाब से ये यहाँ से भी बढ़ेगी। तो देखिए 2 यहाँ हो रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर यहाँ हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी दी है ये TVS वालों ने इसमें। ये नोटिफिकेशन देगा आपको यहाँ पे व्हाट्सएप की, फेसबुक की, इंस्टा की, और टेक्स्ट मैसेज और कॉलिंग भी आपको देने वाला है यहाँ पे। तो गाइज आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा कि कैसे आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ कनेक्ट करना है TVS Ntorq XT से। बहुत ही इजी है ये, आपको बस एक बार कनेक्ट करना है, उसके बाद सिर्फ आपने अपना फ़ोन ऑन करना है, उसके बाद ये ब्लूटूथ खुद एक्टिव मतलब खुद कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बहुत बेस्ट फीचर है इसका, और खुद ही ऑप्शंस आ जाएंगे जो भी आपको कॉलिंग और मैसेज आएगा। अगर आप ये भी कनेक्ट नहीं करोगे ऐप, तो ऐसे भी आपको बिना ऐप के भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आएंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, कॉलिंग शो हो जाएगी। बस आपको ये ब्लूटूथ का रेड रेड शो होने वाला है अगर आपका ये कनेक्ट नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, एक दोस्त के साथ शेयर करें मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस एंड लव।